हिंदुस्तान में चुनाव किसी त्योहार से कम नहीं होता। इसके कई रंग होते हैं, कहीं अनोखा दृश्य, कहीं रंगारंग पोस्टर, कहीं रोमांच से भरा रोड शो, और इसके साथ साथ चुनावी मैदान में दिखने वाले उम्मीदवार भी अलग अलग पृष्ठभूमि से होते हैं। कुछ बिल्कुल ही चर्चित चेहरे दिखते हैं तो कोई बिल्कुल आम आदमी, जिनकी बड़े स्तर पर कोई पहचान नहीं होती, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। वैसे तो चुनावी मैदान में जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो जीत हासिल करने के लिए आते हैं, लेकिन एक ऐसा नाम जिनका लक्ष्य ही रहा है चुनाव लड़ना और चुनाव में हार जाना, ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, लेकिन सच यही है। थोड़ा सा इंतजार करिए, उस शख्स के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सोचिए कोई नेता अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कितनी बार चुनाव लड़ता होगा, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 30 बार, लेकिन मैं जिस शख्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कुल 239 दफे चुनाव लड़े हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा बार चुनाव लड़ने का और उतनी ही बार चुनाव हार जाने का। अब सबसे पहले उस शख्स का नाम जानिए, के पद्मराजन उनका नाम है। तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं। पहली बार के पद्मराजन ने साल 1988 में चुनाव लड़ा था। पहले चुनाव में ही उन्हें हार मिली, जो अब तक बरकरार है। मतलब पद्मराजन अब तक चुनावी जीत का इंतजार ही कर रहे हैं। किसी भी नेता का राजनीतिक विस्तार 2 राज्यों में हो सकता है, 3 या 4 राज्यों में हो सकता है, लेकिन पद्मराजन इस सब से बहुत आगे हैं। वो अब तक देश के 12 राज्यों से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। किसी राज्य से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, कहीं से लोकसभा का चुनाव लड़ा, और तो और वो राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव लड़ चुके हैं, और सबका नतीजा वही हुआ जिसका जिक्र मैंने पहले ही किया था कि उन्हें हर चुनाव में हार मिली है। के पद्मराजन से जब इस विषय पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव में और कई बार हारना ही मेरा लक्ष्य है, मैं चाहता हूँ कि और भी चुनाव लड़ूं और हार जाऊं। ये भी एक कारण है कि उन्हें लोग अब इलेक्शन किंग कहते हैं। चुनाव में हार ही जब लक्ष्य हो तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि सामने कौन है। सोचिए, पद्मराजन को सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन उन्होंने अपने लिए रास्ता हमेशा कठिन ही चुना। तभी तो कभी वो वीपी नरसिम्हा राव के खिलाफ लड़े, कभी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। पद्मराजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ भी। राष्ट्रपति चुनाव में पद्मराजन ने के आर नारायणन से लेकर अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव भले ही पद्मराजन ने सियासी धुरंधरों के खिलाफ लड़े हों, लेकिन नामांकन के बाद वो कभी प्रचार करने भी नहीं निकलते। इतनी कहानी सुनने के बाद आपके मन में एक और सवाल बार बार आ रहा होगा कि पद्मराजन को वोट कितने मिलते हैं। साल 2019 में वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ जब वो चुनावी मैदान में थे तो उनके हिस्से 1887 वोट आए थे। हालांकि किसी एक चुनाव में सबसे ज्यादा वोट उन्हें तमिलनाडु के मेट्टूर में मिला, जब उन्हें 6273 वोट मिले थे। वैसे के पद्मराजन का मुख्य रूप से साइकिल मरम्मत का काम है, और ये काम उन्होंने तब शुरू किया था जब उनकी स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं हुई थी। आज भी उसी साइकिल की दुकान से पद्मराजन पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से चुनाव लड़ते हैं। मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए ना तो किसी से उधार लेते हैं और ना ही उन्हें कोई फंड मिलता है। इसका दूसरा सच ये भी है कि चुनाव लड़ने की वजह से उनके परिवार को कई बार गंभीर आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ा है। ये कह सकते हैं कि पद्मराजन को चुनाव लड़ने का शौक है, ऐसा शौक, ऐसी खुमारी कि साइकिल मरम्मत करके अब तक वो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अपने चुनाव प्रचार पर फूंक चुके हैं। एक सवाल आपके मन में हो सकता है कि जब इतनी बार चुनाव में हार चुके हैं तो वो बार बार चुनाव क्यों लड़ते हैं, तो इसका जवाब भी बड़ा ही मजेदार है। ये कहानी भी सुन लीजिए। एक बार के पद्मराजन अपने दोस्तों के साथ अपनी ही दुकान पर बैठे थे। उन्होंने किसी दोस्त से कहा कि मुझे चुनाव लड़ने का मन है, इस बात का खूब मजाक बनाया गया। इसके बाद से लेकर अब तक पद्मराजन 239 बार चुनाव लड़ चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में के पद्मराजन का नाम दर्ज है, जिसमें ये भी जिक्र है कि वो सबसे ज्यादा चुनाव हारने वाले उम्मीदवार हैं। अब उनका मन है कि गिनीज बुक में भी उनका नाम हो, शायद इसीलिए वो चुनावी मैदान में है। इस बार उन्होंने तमिलनाडु के धर्मपुरी सीट से नामांकन दाखिल किया है, और उन्हें इस बार भी उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी उनके हिस्से में सिर्फ हार ही आने वाली है।